जगंज के मायने नमस्कार मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज इस बार नीतीश जी का तीर सही निशाने पे नहीं लगा और आज दिन में ही आरजेडी का लालटेन जल उठा यह बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है और इसके साथ ही प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज संसदीय उपचुनाव जीत गए हैं और भारी अंतर से जीते हैं एक लाख सैंतीस हजार से ज्यादा मत इन्हें मिला है और इसके अलग अलग अर्थ लगाए जा रहे हैं अलग अलग मायने हो लगाए जा रहे हैं साथ ही सत्ता पक्ष में मंथन का दौर शुरू हो गया है विपक्ष आरजेडी काफ़ी उत्साहित है उसे इस जीत से 2014 जीता हुआ नज़र आ रहा है उन्हें लग रहा है कि इस जीत के पूरे बिहार में असर होंगे खैर अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने तरीके से इस पूरे जीत को देख रहे हैं लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा 2014 पर कितना असर होगा और साथ ही साथ एन के गठबंधन में क्या चल रहा है ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं और क्या नया समीकरण बिहार में देखने को मिलेगा इस पर भी अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं और आज हम आपकी आवाज़ में इसी पर सोचने और समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे हम उनका भी परिचय कराएंगे लेकिन अर्थ यही निकाला जा रहा है कि आखिर महाराजगंज के मायने क्या हैं चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ रिपोर्ट भी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जरा उनका हम परिचय करा दें और वो भी जरा रिपोर्ट देखेंगे उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ जो मेहमान हैं यहाँ पर हैं कंचन बाला जी हैं समाज सेविका हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है कंचन बाला जी धन्यवाद और साथ ही साथ सरवोदय जी हैं सी के वरिष्ठ लीडर आपका भी स्वागत धन्यवाद और हमारे साथ हैं विजय सिन्हा जी विधायक भी हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं आपका भी स्वागत और इसके अलावा हमारे साथ हैं मुशर्रफ अली साहब कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर आपका भी स्वागत नमस्कार और साथ ही साथ शिक्षक नेता मिथिलेश शर्मा जी हैं हमारे साथ आपका भी स्वागत है और हमारे साथ हैं अभिरंजन कुमार जी जो कि आर न्यूज के संपादक हैं आपका भी स्वागत है शुक्रिया शुक्रिया चलिए अब आप लोगों से हमने सबका परिचय करा दिया है लेकिन अब जरा ये एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि इस जीत के क्या मायने निकाले जा रहे हैं और इस जीत पर जहां विपक्ष यानी आरजेडी के खेमे में उत्साह है वहीं सत्ता पक्ष एनडीए में किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह का मंथन का दौर चल रहा है ये रिपोर्ट देखिए उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्रगंज में एनडीए की हार पर अब समीक्षा होने लगी है जेडीयू नेता और बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव का कहना है कि जीत प्रभुनाथ सिंह की है क्योंकि जब प्रभुनाथ आरजेडी में गए तब तो पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ चले गए जिसके बाद जेडीयू कार्यकर्ता नहीं तैयार कर सकी महाराजगंज चुनाव में ये, ये हवा है कि लालू जी की जीत हुई है लालू जी की जीत तो है नहीं ये जीत वस्तुता प्रभुनाथ सिंह की है और हमारे जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता कार्यकर्ता तो मेरे ही थे तो प्रभुनाथ बाबू जब गए राजद में तो उसका कार्यकर्ता भी तो लग गया उधर हम इस बात को समझ नहीं सके अच्छे ढंग से हम तो अच्छे ढंग से कार्यकर्ता को बनाए नहीं तो मेरा ही कार्यकर्ता उधर चला गया राम नरेश की माने तो जेडीयू ने महाराजगंज की जनता की भावना और पीड़ा को समझने में भूल की उनकी राय में कई बार जनता के आक्रोश में लगाए गए नारे को सरकार जयकारा समझने की गलती करती है कभी कभी क्या होता है झुरमुट की ओट में चहकने वाले पक्षी सर्वदा हर्षगान नहीं करते कभी कभी उनकी जो कारुणी पीड़ा होती है हम उसको जय जयकार समझ लेते हैं और ये कहीं कहीं बात हुई है हमसे भूल हुई है है कि कि हम दर्द को समझ सके क्या उनकी क्या उनकी आवाज भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पशुपालन मंत्री कहते हैं कि यह आत्म मंथन का समय है एक तरफ गुजरात में भाजपा कांग्रेस की सीट छीन रही है और दूसरी तरफ ऐसी हार हो रही है गिरिराज कहते हैं कि जेडीयू मंथन करे तो और बहुत से कारण मिलेंगे हार के ये प्रभुनाथ सिंह या आरजेडी की जीत नहीं है बल्कि एनडीए की हार है और ऐसे समय में ये आरोप लगाना गठबंधन धर्म के विरुद्ध है और ये आत्मचिंतन मंथन करने की जरूरत है एनडीए को जेडीयू हार के पीछे भाजपा के कार्यकर्ताओं की उदासीनता को भी दोषी ठहरा रही है जेडीयू की माने तो भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया बीजेपी के नेताओं ने काफी मेहनत की पर एक बात है कि उन लोगों लो ने कार्यकर्ता लोग ने मेहनत नहीं किया, ढंग से काम नहीं कर सके उनके कार्यकर्ता अब इसमें भी जरूरत है कि हम लोगों के बीच में अब कारण क्या है तो बड़े बड़े नेता लोग जुड़ेंगे जवाब में भाजपा कहती है कि यह आरोप निराधार है गिरिराज कहते हैं कि जब ताली राजा को तो गाली भी राजा को ही मिलनी चाहिए मैं शुरू से कहता हूं कि गांव की कहावत है ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को लेकिन चिंतन सबको करना चाहिए हार का सबसे बड़ा कारण जेडीयू की राय में महाराजगंज से पीके शाही को उम्मीदवार बनाना था रामनरेश कहते हैं कि प्रभुनाथ महाराजगंज के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और पीके शाही उनके मुकाबले उस इलाके के लिए नए थे हमारा उदसीन कार्यकर्ता और परहुनाथ सिंह का चप्पे-चप्पे जाना पहचाना हुआ हमारा उम्मीदवार नया बस ये फैक्टर है कुल मिलाकर परहुनाथ महाराजगंज के एक बार फिर महाराजा बन गए हैं अब उनकी इस जीत ने एनडीए के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में नीतीश का जादू अब खत्म हो गया है पटना से आर्यन न्यूज़ के लिए, लिए कैमरामैन कुणाल के साथ सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट चलिए क्या वाकई में नीतीश का जादू खत्म हो गया या लालू जी का जादू चल गया तमाम तरह के सवाल हैं हम सभी सवालों पर एक एक करके चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ कुछ मेहमान हैं परिचय हमने करा दिया है आपसे और सबसे पहले हम जाना चाहेंगे विजय सिन्हा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं विधायक भी हैं सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं चलिए थोड़ा सा अचंभा लगता हो कि बधाई किस लिए मैं दे रहा हूँ आप लोग भी सोच रहे हैं कि बधाई किस लिए बधाई इसलिए कि मोदी जी गुजरात में बहुत बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया इसलिए आपको बधाई दे राष्ट्रीय परिपेक्ष में एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहा आखिर क्या वजह रहा कि मोदी जी तो बेहतर प्रदर्शन किए बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार पिट गई सिर्फ उपचुनाव में एक जगह चुनाव हो रहा था विकास की आप बात कर रहे थे विकास के दावे कर रहे थे फिर भी महाराज की महाराजगंज की जनता ने आपको खारिज किया देखिए एक विश्लेषण तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सीट एन का नहीं था ये सीट आर का था और निश्चित तौर पर ये सीट बिहार के बेहतर विकास के परिणाम में आना चाहिए था हम लोग को उम्मीद भी था लेकिन चुनाव में कई फैक्टर काम करता है एक फैक्टर तो होता है कि हमारा जो चुनाव का विकास या जो हमारा पहल जो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और दूसरा फैक्टर मैनेजमेंट होता है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कुछ कमी रही है जिसके कारण उसका विश्लेषण हमारे नेता करेंगे क्या कमी रही है निश्चित तौर पर इस चुनाव का इस चुनाव का आपको याद होगा कि इसके पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कई सीट एनडीए गठबंधन के लोग हार गए थे लेकिन एनडीए गठबंधन का रिजल्ट विधानसभा में जो आया है सबके सामने है चलिए हमारे साथ कांग्रेस के लीडर हैं आप भी लंबे चौड़े दावे कर रहे थे कहाँ पा रहे थे और कहाँ आ गए आप देखिए हमारा हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वहाँ हमारा संगठन बिहार में कमज़ोर था और दो साल से हमारी पार्टी में शिथिल पड़ी हुई थी नए अध्यक्ष अशोक चौधरी ने जब आए तो कांग्रेस में एक नई ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की है और जिसका परिणाम है कि हमको तैंतीस हज़ार वोट आया है जहाँ हमको पिछले इसमें काफ़ी कम था इसका हम ग्रेजुअली हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा वोट आगे बढ़ रहा है तो इस परिणाम से हम विचलित नहीं हुए हैं हम उम्मीद है हमारे आगे वाले चुनाव में 2014 में इससे अच्छा हम परिणाम देंगे और 2015 में भी हम असेंबली के चुनाव में भी धूल चटा देंगे इसलिए कि हम लोग नौजवान नई पीढ़ी और नई ऊर्जा के साथ हम लोग मैदान में उतर रहे हैं फिलहाल महाराजगंज की जनता आपको धूल चटा दी है नहीं हमको धूल नहीं हमको तैंतीस हज़ार वोट दिया है जो हमारा ये है इसलिए कि वहाँ पर जो कि सेकुलर वोट का जो हुआ है वो बिखराव रोकने के लिए वो लालू जी को वहाँ पर लोग दिया है वोट इसलिए कि सेकुलर वोट जो है वो बिखरे नहीं इस वजह से वहाँ लोकसभा में ए, लोगों ने दिया है प्रभुनाथ सिंह को इसलिए जी को मिला है चलिए आपसे चर्चा करेंगे और हम आपके पास आते हैं लेकिन आज जीत के जो सबसे बड़े जो कहा जा सकता है कि सेहरा जिनके माथे पर बढ़ रहा काफ़ी खुश हैं जीत की खुशी में नवल किशोर यादव जी हैं चा, पहचानते होंगे जानते होंगे हर टीवी चैनल पर अक्सर दिखते रहते हैं इतना विलम्ब क्यों हो गया ऐसा है कि ट्रैफिक बहुत और रामरथ निकला हुआ था उसी में जाम हो गया महाराजगंज के तमाम जनता को वहाँ के किसानों को और इस राज्य के नियोजित शिक्षकों और वितरित शिक्षकों को बधाई देता हूँ जीत के लिए अभी सत्ता में आए नहीं और इतना देर आएंगे कैसे काम चलेगा सत्ता तो आते जाते रहता है जनता का रुझान चाहिए सत्ता तो उसके इर्द गिर्द घूमता है चलिए सत्ता इर्द गिर्द घूमता है और वाकई में लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है सर्वोदय जी आप इस जीत को किस मायने में देख रहे हैं हालांकि एक बंगाल का रिजल्ट आपके लिए थोड़ा दुखदाई है लेकिन फिर भी देखते हैं आप क्या देखते हैं इस महाराजगंज की जीत को पहले बंगाल की बात कर ले बंगाल में तो बहुत कम का अंतर रहा है अगर स्टैंपिंग सतहत्तर बूथों पर नहीं होता तो हम चुनाव में जीत दर्ज कर चुके होते लेकिन आप जानते हैं ममता को और सारे भारत जान रहा है कि किस तरह से शासन कर रही हैं और कैसा गुंडा राज बंगाल में चल रहा जहाँ तक बिहार की बात है मैं समझता हूँ ये राज्य में जदयू भाजपा सरकार के अंत की शुरुआत हो गई और जनता ने इसको स्पष्ट रूप से महाराजगंज के चुनाव में व्यक्त किया लेकिन ये समझना कि ये किसी दल को एक पॉजिटिव वोट है ये गलत होगा नीतीश जी भी जब सत्ता में आए 2005 में तो वो नेगेटिव वोट पर आए उन्होंने उस वक्त की जो सरकार थी लालू जी की उनकी जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ कैंपेन किया था और जनता ने इस अपेक्षा के साथ उनको गद्दी दिलाई कि वो शायद उसको पूरा करेंगे लेकिन नीतीश जी आज भी उस नकारात्मक वोट के बदौलत ही चाहते हैं राज करना कोई सकारात्मक नीतियाँ जो जनता के पक्ष में हो जो गरीबों के पक्ष में हो किसानों के पक्ष में उन्होंने अख्तियार नहीं की और यही इसका कारण है कि आज जनता के हर हिस्से करीब करीब बहुत ही परेशान है बहुत ही फटेहाल हालत में है और वो अपने आक्रोश का इजहार चाहे केंद्र की सरकार कांग्रेस आज आ जाए या जहाँ जहाँ भाजपा राज में है आप वहाँ भी देखिए कर्नाटक में बुरी हालत भाजपा की हुई है इसलिए ये कहना कि ये एन या यू का सवाल नहीं दोनों से आज जनता तंग है और जनता जहाँ भी मौका देखती है जहाँ भी एक विकल्प उसको मिलता है वहाँ वोट देती है, है। कंचन बाला जी आप किस रूप में देख रहे हैं ये हम तो ये मानते हैं कि ये नीतीश कुमार जी की हार है और नीतीश कुमार जी का जो पाखंडी चेहरा रहा है उसको बिहार के लोगों ने बखूबी पहचाना है और उनको ये एक मौका मिला बिहारियों को कि इनको हम सबक सिखाएं क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सरकार न दलितों के हक में है न पिछड़ों के न अति पिछड़ों के न महिलाओं के ये तो बलात्कारी सरकार है और इसकी हार जो है नीतीश की हार है और दूसरी बात कि ये बिहार की जनता की जीत है हम इस रूप में देखते हैं कि ये बिहार की जनता की जीत है और हम ये मानते हैं कि जो पूरा चुनाव का जो तस्वीर सामने है उससे ये लगता है कि नीतीश जी का ये जो दावा जो खोखला था कि अति पिछड़े और महिलाएं और महादलित तो हमारे साथ खड़े हैं हम इसको मानते हैं कि ये इस चुनाव में ध्वस्त हो गया और हम एक बात हम और कहें कि महिलाएं भी इनके खिलाफ खड़ी रहीं क्योंकि हम तो आ, आप इसके साथ ही आज इस बिहार की जनता की खुशी के साथ हम आपको हम ये बताएं क्योंकि आपके चैनल पे आई थी कि आरअ की जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था आज वो लड़की फर्स्ट डिवीज़न से टेंथ पास की है आज मेरे लिए ये दोहरे खुशी की बात है कि एक ऐसे मानसिक अवस्था से गुजरते हुए भी जिसको न्याय नहीं मिला नीतीश कुमार के शासन में आज भी वो पीड़ित परिवार है तो ये एक बात है और साथ साथ ये भी कि आज पाँच जून है और पाँच जून ऐतिहासिक दिन है जहाँ संपूर्ण क्रांति का और ये जो नीतीश कुमार जो हम तो मानते हैं कि ये जेपी के नालायक पुत्र हैं लालू जी ने कहा है कि हम लायक हैं इसलिए जेपी जे हमें जिता दिए और नीतीश जी को हरा दिए नहीं ये हम इस रूप में हम ऐसे इस बात को हम इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं नहीं। लेकिन हम ये मानते हैं ये बिहार की जनता की जीत है ये बिहार की जनता की जीत है और एक चीज़ अगर लालू जी ऐसा कह रहे हैं तो हम आपको याद दिलाएं कि ये जो लोकतंत्र में जनता की जो ताकत होती है ना वो बहुत असीम ताकत है हम सिर्फ याद दिलाते हैं कि सतहत्तर में जिस तरीके से इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ इस देश की जनता उनको भगा दी सत्ता से वही जनता इस बिहार की जनता सतहत्तर के बाद अस्सी के चुनाव में आधी रोटी खाएंगे और इंदिरा को बुलाएंगे वापस बुलाएंगे इसलिए जनता जो है अपना विकल्प तलाश करती है और इस बार जनता ने विकल्प देखा लालू प्रसाद के रूप में प्रभुनाथ सिंह के रूप में और वो विकल्प मिला महाराजगंज की जिस तरह से जनता ने वोट दिया है आज रिजल्ट सामने है शिक्षक नेता है शर्मा जी अभी नवल जी आते आते उन्होंने कहा कि वित्त रहित शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है आप शिक्षक नेता होने के नाते किस रूप में इस पूरे जीत की, की समीक्षा करते हैं देखिए शिक्षक राजनीतिज्ञ नहीं होते राजनीति शास्त्र की पाठ जरूर पढ़ाते हैं लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं होते और हम लोगों के समझ से वर्तमान तो परिपेक्ष हुआ हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को कि रहमन या गरीब की कहीं नहीं निष्फल जाए तो ये सरकार में सबसे ज़्यादा कोई अगर प्रताड़ित हुआ है तो शिक्षक ही हुआ है कचुमर हमारा निकला लाठी हम खाएं जेल हम खाएं आम यहाँ के आम 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 से अभिभावकों से भी प्रताड़ित करने का प्रयास हम लोगों को किया गया विद्यालय में पैसा भेज कर पचहत्तर परसेंट का डंडा चला करके और हद यहाँ तक हुई कि भैया अगर रास्ते में कोई छिनौती करने वाला छीन लेता हो वो बात अलग होती है हम प्रशासन को डायरेक्ट कहते हैं लेकिन इस सरकार के जिम्मेवार वाले पद पर रहने वाले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं अध्यक्ष के द्वारा विद्यालय में जब बस बच्चों का पोशाक राशि वितरण हो रहा था वहां जा के प्रधान से पैसा छीना गया सत्तर हजार रुपया यह कह करके यह हम हमको आने मार्ग में हम, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसका क्या मान हम उस, उस पर भी चर्चा तो मैं पहले आ, मैं यही कहता हूं कि शिक्षकों का आक्रोश और ये जो इनका मुख्यमंत्री का मैं नहीं कहूंगा मुख्यमंत्री दम होला नहीं होता है ये हो नीतीश कुमार का दम एक को हम दूजो नास्ती उस दम की लड़ाई में जो आम लोगों का आक्रोश था शिक्षकों का जो आक्रोश था सारा एकजुट होकर के हम यह नहीं देखें कि आने वाला क्या है हमको क्या करेगा लेकिन पहला यह सिद्धांत कि भैया थोड़ा जोड़ का झटका धीरे से देना जरूरी है और हम उसी रूप में देख रहे हैं चलिए जोर का झटका महाराजगंज की जनता ने धीरे से दिया है मैं तो धीरे से नहीं कहूँगा बहुत जोर से झटका दिया है अभिनंदन जी नहीं निश्चित रूप से जो मिथिलेश जी कह रहे हैं एक हम दूजो नास्ती वाली बात ये भावना बिहार के आम लोगों की धारणा बन गई है कि नीतीश कुमार जी के भीतर आ गया था और खुद उनकी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता मानते हैं खुद उनके गठबंधन के सहयोगी मानते हैं इसीलिए आपने देखा कि गिरिराज सिंह ने इस तरह का बयान दिया कि अगर ताली सरकार की तो गाली भी सरकार की और मैं गिरिराज सिंह के इस बयान के साथ मैं जाना चाहूँगा मैं जो है आज बीजेपी के लिए मैं ताली बजा देना चाहता हूँ क्योंकि और और नीतीश कुमार जी के लिए गाली शब्द का प्रयोग तो मैं नहीं करूंगा लेकिन ये मैं ज़रूर कहूंगा कि उनकी ये पराजय है तो बीजेपी के लिए मैं इसलिए ताली बजाना चाहता हूं क्योंकि बीजेपी ने बड़ी ज़बरदस्त घेराबंदी की थी राजीव प्रताप रूडी ने पहले ही बयान दे दिया था चुनाव से पहले ही कि भाई मुख्यमंत्री जी आप ज़रा वहाँ पर ध्यान दीजिए आप ध्यान कम दे रहे हैं तो इस तरह से क्या ज़बरदस्त घेराबंदी देखिए बीजेपी ने की मुख्यमंत्री पे डाल दिया कि आप अपने कैंडिडेट को लड़वा रहे हैं अपने शिक्षा मंत्री को लड़वा रहे हैं और आप ही प्रचार नहीं कर रहे हैं आप ही उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री पर पहले उन्होंने डाल दिया उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में बीजेपी ने जो है निश्चित रूप से जो है अपनी ताकत दिखा दी बीजेपी ने पूरी तरह से जैसा कि आज पीके शाही ने कहा कि हमें सहयोग नहीं मिला पूरी तरह से तो निश्चित रूप से बीजेपी ने उनको बहुत पूरी तरह से साथ नहीं दिया तो एक तरफ नीतीश कुमार जी पे जिम्मेदारी डाली पहले ही कि बाद में कोई हमें ब्लेम नहीं कर सके और दूसरा उन्होंने इस तरह का एक खेल खेला तो निश्चित रूप से बीजेपी की आप राजनीतिक तो ये चुनावी जीत तो आप नहीं कह सकते क्योंकि वो एनडीए के पार्टनर हैं और जेडीयू के पार्टनर हैं तो उनकी चुनावी जीत तो आप बीजेपी की कह नहीं सकते हैं लेकिन बीजेपी की कूटनीतिक जीत ये है बीजेपी की राजनीतिक जीत ये है और जेडीयू की चुनावी हार है नीतीश कुमार जी की चुनावी हार है पी शाही की चुनावी हार है कई लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार की हार है मैं ऐसा नहीं मानता मैं मानता हूं कि पीके शाही की भी ज़बरदस्त हार है पीके शाही कोई मामूली आदमी नहीं है बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और व्यक्तिगत मैं भी मानता हूं कि एक शिक्षा मंत्री के रूप में उनके गुनाहों की सूची इतनी लंबी हो चुकी थी कि बिहार की जनता ने महाराजगंज की जनता ने और शिक्षकों ने खास करके उनको पनिशमेंट दिया है तो पीके शाही के अपने गुनाहों की सूची आप देखिए पी के शाही ने शांतिपूर्ण धरना पर बैठे शिक्षकों की बातें नहीं सुनी शांतिपूर्ण धरना पर बैठे शिक्षकों का माथा फोड़ दिया गया महिला शिक्षिकाओं शिक्षिकाओं के साथ पुलिस ने उस हद तक बदसलूकी की जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ गया शिक्षा मंत्री रहते हुए पीके शाही के कार्यकाल में आपने देखा कि बिहार के हर स्कूल में जो है छिपकली वाली खिचड़ी और कॉकरोच वाला भात खिलाया गया शिक्षा मंत्री रहते हुए पीके शाही के कार्यकाल में आपने देखा कि जो बिहार में पैंसठ साल में नहीं हुआ वो बिहार में इस साल हुआ बिहार में पैंसठ साल में कभी आपने नहीं देखा था कि हमारे छोटे छोटे आठ साल दस साल बारह साल के बच्चों के हाथों में पत्थर हों और वो सड़कों पर उतरकर टायर जला रहे हों और गाड़ियों को रोक रहे हों और स्कूल में ताला जड़ रहे हों लेकिन पीके शाही के कार्यकाल में ये भी हुआ कि बच्चों ने पत्थर हाथ में उठाया और उस तरह से वो सड़कों पर आए जो देखकर हम लोगों का कलेजा दहल गया कि अगर हमारे बच्चों का ये रूप है तो हम किस बिहार का निर्माण कर रहे हैं तो यह नीतीश कुमार जी और पीके शाही की जो है मिली जुली हार है दोनों के गुनाहों की सूची व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी की अगर आप बात करें तो मैं कुछ चीज़ें निश्चित रूप से कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी के राज में देखिए इंसाफ किस चिड़िया का नाम है आज बिहार की जनता ये पूछ रही है कि इस चिड़िया की शक्ल हमको नहीं दिखा सकते तो कम से कम फोटो मुझे दिखा दो किसी किताब में स्केच बनाकर बता दो कि इंसाफ किस चिड़िया का नाम है और इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है आप देखिए कि मुसलमानों की बात करते हैं मुसलमानों के नाम पर एंटी मोदी पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन फारविसगंज को दो साल पूरा हो गया तीन

अभी कंचन जी ने बड़ा माकूल सवाल उठाया इस राज्य में गैंगरेप से पीड़ित बहनों को कहां पर इंसाफ मिला पटना गैंगरेप के लिए हमने लड़ाई लड़ी तो उसके एवज में हमें कोई पुरस्कार नहीं मिला आर्यन टीवी को भी तरह तरह से प्रताड़ित करने की कोशिशें की गई इस राज्य में सरकार के द्वारा और पूरे बिहार की जनता को मालूम है कि जेडीयू के प्रतिनिधि उस घटना के बाद से हमारे चैनल में आज भी नहीं आते हैं तो ये ये है रोहतास की लड़कियों के बारे में आप जानते हैं कि रोहतास की लड़कियों को कई साल से प्रताड़ित किया जा रहा था लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने आकर दखल दिया हम लोगों ने जब मुद्दे को उठाया तब जाकर उनको मिला सीतामढ़ी में कंचन बाला ने सुसाइड कर लिया अभियानंद जी के छात्र की बहन थी वो लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई एसपी के खिलाफ एक चिट्ठी लिखकर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया इस राज्य में इंसाफ कहाँ किसको है आज जिस लड़की का वो जिक्र कर रहे थे आरा की जो बहन थी वो हमसे आकर मिली थी इतनी टैलेंटेड लड़की है वो मेट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन से पास किया है आप बताइए हम इतने प्रतिभाशाली बच्चों के साथ इस राज्य में क्या कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी के राज्य में इंसाफ की चिड़िया का नाम है बाकी फ्रंट्स पे मैं कहता हूं भ्रष्टाचार बेशुमार बढ़ गया है भ्रष्टाचार के लिए मनमोहन सिंह को अगर गरियाएंगे कि भ्रष्ट सरकार का ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है तो भ्रष्ट सरकार का ईमानदार मुख्यमंत्री हो सकता है क्या तो भ्रष्टाचार आपका बेशुमार बढ़ गया आपने गांव बिहार के लोगों को पीने का पानी नहीं दिया लेकिन गली गली में शराब की दुकान आपने खुल आप यह देख लीजिए उसके बाद आपने बाढ़ पीड़ित इलाकों में कोई काम नहीं किया आज पांच साल हो गए कोसी के खेतों से क्या रेत हटाई जा सकी आज भी उन हज़ारों एकड़ ज़मीन पे जो है बालू पसरा हुआ है है और वो ज़मीन बंजर हाल में है। आप सोचिए वहां के किसानों की क्या हालत है तो आपने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया आपने इतने सारे काम किए हैं जो और विकास के नाम पर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं आपके पास नीतीश कुमार जी के पास अब दो ही चीज रह गई है अपने काम काज नहीं कर पाने को छिपाने के लिए एक एंटी मोदी पॉलिटिक्स करना नरेंद्र मोदी को गरियाओ और दूसरा विशेष राज्य के दर्जे की मांग करो तो विशेष राज्य के दर्जे से क्या होगा विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या आरा की उस बहन को सीतामढ़ी की उस बहन की जिंदगी लौट आएगी क्या पटना गैंगरेप में जो पुलिस का निकम्मापन दिखा वो निकम्मापन जो है खत्म हो जाएगा जिन चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया उन चीज वे चीज़ें क्या खत्म हो जाएंगी क्या शराब का प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा क्या शिक्षकों का इकबाल बुलंद हो जाएगा तो सिर्फ विशेष राज्य से क्या होगा रोना रोते हैं कि मेरे पास समंदर का किनारा नहीं है मेरे पास राज्य में समंदर नहीं है इतनी सारी नदियां इतनी सारी उर्वर जमीन के रहते हुए आप समंदर का रोना रो रहे हो कि मेरे पास समंदर नहीं है तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी डिरेल हो चुके हैं वो गलत सलाहकारों से घिर गए हैं उनके भीतर मैं बिहार हूँ वाला अहंकार आ गया उन्होंने पटना की सड़कों पर होर्डिंग लगवा दिया था कि मैं बिहार हूँ इस तरह से देखिए राज्य नहीं चलता है राज्य में मुख्यमंत्री के अलावा भी दस साढ़े दस करोड़ लोग हैं जब आप उस दस साढ़े दस करोड़ लोगों की भावनाओं को नहीं समझेंगे तो यही नतीजा आएगा और यह नीतीश कुमार जी के लिए खतरे की घंटी अलार्म है लोकसभा चुनाव में एक साल बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में ढाई साल बचा हुआ है नीतीश कुमार जी के लिए अभी भी वक्त है हम किसी के खिलाफ नहीं लालू यादव जश्न मना ले उनके जश्न से हमें कोई परहेज नहीं है लेकिन हमारे लिए जश्न मनाने जैसी कोई चीज नहीं है कि, कि आपके आप पास है। अपने गुनाहों को, ठीक अपने काम को दुरुस्त करिए सुधारिए और नीतीश कुमार जी आप अपने आचरण को सुधारिए लड़कियों के काले दुपट्टे आपने उतरवा लिए इसलिए कोई आपको काला झंडा ना दिखा पाए ये तो मतलब ऐसा मैंने महाभारत में सुना था कि दुशासन ने चीरहरण किया था और उसके बाद मैंने बिहार में सुना कि बिहार की पुलिस ने लड़कियों का चीरहरण किया तो नीतीश कुमार जी को सोचना पड़ेगा जनता का दमन करके जनता 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 के के पैसे पैसे पर पर की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह से बिहार में मीडिया को परघोषित सेंसरशिप लागू की गई है यह सारे नीतीश कुमार जी के की सरकार के काले कारनामों की सूची को लंबा करते हैं नीतीश कुमार जी को इन चीजों को हर हालत में दुरुस्त करना होगा और अगर दुरुस्त आप नहीं करेंगे तो जिस तरह से महाराजगंज की जनता ने जवाब दिया है जवाब दो के चौदह के जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा उसमें अगर ऐसा जवाब आ जाए तो शायद आश्चर्य नहीं करना होगा चर्चा जारी रहेगी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक